वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेक्विजन फिंगरप्रिंट स्कैनर इंस्टॉल करने वाले हैं। गूगल क्रोम ओपन करेंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे सेक्विजन HU20 ड्राइवर्स डाउनलोड। उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद http://secugenindia.com डाउनलोड, उस वो लिंक क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर में फॉर विंडोज बिल्ड 61 ये वाला एक डाउनलोड करेंगे। उसमें के बाद सिक्योरजन वेब ऐप वर्जन 34 वो वाला डाउनलोड करेंगे। और नीचे उसके नीचे ड्राइवर्स डाउनलोड करेंगे डिवाइस का। शॉल फोल्डर क्लिक करेंगे। शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद तीनों zip फाइल को अनजिप करेंगे। फर्स्ट RD सर्विस फॉर विंडोज वो सेटअप रन करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। सेकंड सिक्विजन बायोमेट्रिक्स वेब ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। यस आई एक्सेप्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट डिफॉल्ट लोकेशन वही सेम रखेंगे। नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। थर्ड जो डिवाइस का ड्राइवर्स है वो इंस्टॉल करेंगे। रन आई एग्री इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। क्लोज करेंगे इसको। डेस्कटॉप पे HGI_RD स्टेटस ये फाइल शॉर्टकट आया, उस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद वो डिवाइस का पूरा स्टेटस दिखाता है। होस्ट नेम स्टेटस नॉट रेडी, क्योंकि अभी तक USB केबल कनेक्ट नहीं किया है। अभी USB केबल कनेक्ट करके ये पेज को वापस रिफ्रेश करेंगे हम। अभी डिवाइस रेडी दिखा रहे हैं। पोर्ट नंबर है 111100। अभी हम जो चेक MFS का लिंक है वो कॉपी करेंगे और गूगल क्रोम में पेस्ट करेंगे एड्रेस बार में। इसके बाद एंटर करेंगे। उसमें चेक सर्विस करके ऑप्शन आता है, उसको उस पर क्लिक करेंगे। उसमें फिर HTTP://localhost:111100 डिस्कवरिंग RD सर्विस पोर्ट :111100 और डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहे हैं। हम अभी हम वेबसाइट ओपन करेंगे। उसमें अप्लाई एडिट LOR पे क्लिक करेंगे। अप्लाई LOR यहाँ जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड पे लिंक है वो डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ OTP डालेंगे। वेरीफाई OTP आधार नंबर आधार कार्ड नंबर यहाँ ये करेंगे। इसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे।
वेरीफाई विद बायोमेट्रिक क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ एक एंटर यू आर एल ऑप्शन आता है, यहाँ से ये डिवाइस का HTTP URL कॉपी करेंगे, http://127.0.0:111000 ये कॉपी करेंगे और यहाँ वेरीफाई बायोमेट्रिक्स पे क्लिक करके वो लिंक पेस्ट करेंगे, ओके करेंगे मैसेज को। अब इस वेरीफाई बायोमेट्रिक्स यहाँ रेड डिवाइस में रेड लाइन ब्लिंक होएगा, तब फिंगर रख के यहाँ ये वेरीफाई होना स्टार्ट होएगा। ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, मतलब हमने जो इंस्टॉल किया वो प्रॉपर है। लॉग आउट कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।